मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों। अलीगढ़ में जुमा की नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। अपर नगर मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस भी भेजा गया था और पूजा के खिलाफ सांप्रदायिक बयान और विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ प्रशासन की माने तो पूजा पांडे ने सोशल मीडिया में ये विवादित बयान साझा किया था। वहीं अब आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत के 4 शहरों पर हमले करने की धमकी दी है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अलकायदा ने बम से उड़ाने की धमकी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, UP में दी है। आतंकी संगठन का पत्र मिलते ही जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं ठाणे से सटे भिवंडी में बाबा कंपाउंड में एक गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। 5 किलोमीटर दूर से ही इस भीषण आग की ऊंची लपटें देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि आग लगने के काफ़ी देर तक दमकल विभाग यहां पर नहीं पहुंचा था और आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 9 जून से बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले और बाइक पर पीछे बैठने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 25 मई को नोटिफिकेशन जारी किया था और 15 दिनों का समय दिया था कि दोपहिया वाहन पर चलने वाले लोग हेलमेट लगाकर चले। ऐसे में अब ये डेडलाइन खत्म हो रही है और 9 जून से दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वालों दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है और जो लोग बिना हेलमेट के चलते हैं उन पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुंबई में कोरोना की रफ्तार अब दुगनी हो गई है। 24 घंटे में 1242 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि 2 जून को कोरोना के 704 केस दर्ज किए गए थे, वहीं अब 7 जून तक की संख्या बढ़कर 1242 तक पहुँच गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।